फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। फ्रेंड्स, अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें डिस्क्रीट मैट्रिक्स वेट्स दी गई है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस दी गई है और हमें यहाँ पर डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के लिए हमें एक सेट दे दिया गया है आर, जो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है और इस पर जो मैट्रिक डिपेंड कराया गया है वो यू मैट्रिक, मैट्रिक इज डिफाइंड ऑन आर एज वो यू है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई इज इक्वल टू वन, और डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई इज इक्वल टू वन तब होगी जब ये x जो है नॉट इक्वल टू y होगा। ये उस सूरत में होगी ये जो चीज़ है, और ये तो ज़ीरो ही होगी। स्टूडेंट्स, अब हम इस पर चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाएंगे, और वो सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हम कहेंगे ये जो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है ये वाकई मैट्रिक इस पर डिफाइंड है। वेरिफिकेशन करेंगे। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल एक्स एम वन, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई इज इक्वल टू, हमें पता है कि वो वन है जब ये पॉइंट एक पॉइंट डिफरेंट है, और दूसरे नंबर पर एक ही पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकाल लें तो वो ज़ीरो आता है, ये दोनों आ गए हैं। तो इस तरह जो डिस्टेंस हमारा एक्स वाई था वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो आ गया है। एक किस्म का ये भी वाई है, तो यहाँ पर वाई को एक्स के बराबर रख के जब हम वाई को कहेंगे एक्स के बराबर, फिर यहाँ पर एक्स रख देते हैं, वैसे डी ऑफ एक्स वाई है, तो ये अब एम वन सेटिस्फाई हो गई है। एम टू, डिस्टेंस ये है ये बराबर तभी ज़ीरो है इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वो तो ऊपर दे दिया गया, ये भी हमारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। एम टू इज सेटिस्फाइड। एम थ्री, हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वन है और डिस्टेंस ऑफ वाई
फ्रॉम एक्स वो भी वन है। और अगर हम कहें कि पॉइंट एक जैसे हैं तो फिर एक्स से एक्स का जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है और एक्स का एक्स से डिस्टेंस यहाँ पर भी वो क्या है, एक बार लिख लें दो बार लिख लें आपकी मर्जी है। तो इन सारों से हमें ये पता चलता है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। तो स्टूडेंट्स एम थ्री प्रॉपर्टी इज ईजिली सेटिस्फाइड। स्टूडेंट्स अब हम प्रॉपर्टी नंबर फोर एम फोर पर आएंगे। स्टूडेंट्स इसमें दो तीन हम केसेस बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि अगर x बराबर नहीं है y के बराबर है z के, मतलब x ना बराबर y के ना बराबर z के, जबकि y बराबर z के है। और इस तरह क्या है कि इसी तरह z y के बराबर लेकिन x इसके बराबर नहीं है। अगर ये मैं केस रखता हूँ तो इसको मैं दूंगा केस वन का नाम। तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स फ्रॉम वाई क्या आएगा, जब ये इक्वल नहीं है फिर वन आएगा। और डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई था, एक्स फ्रॉम जेड क्या आएगा, ये भी इक्वल नहीं है, ये यहाँ से है इक्वल नहीं है, इनका वन आएगा। और डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम वाई ये तो ज़ीरो आएगा क्योंकि ये इक्वल है। ये क्या आएगा, ये ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से क्या हमें पता चला कि ये जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है ना, ये इनके इनके मजमूए के बराबर है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। स्टूडेंट्स ये है। और स्टूडेंट्स अब हम मैं केस टू पर आता हूँ। जब मैं ये कहता हूँ कि ये तीनों बराबर हैं तो हमें पता है कि ये सारे ज़ीरो ज़ीरो होंगे। तो इससे जो भी डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई होगा वो ज़ीरो होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सॉरी एक्स टू जेड जो होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जेड जो होगा वो ज़ीरो होगा, और डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम y स्टूडेंट्स वो भी ज़ीरो होगा। तो इससे क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम z प्लस डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम y, ये हो गया। स्टूडेंट्स अब हम थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में हम कहेंगे ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई ये भी वन है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जेड ये भी ज़ीरो है, और डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम वाई ये भी ज़ीरो है। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें, नहीं स्टूडेंट्स ये वन है क्योंकि ये बराबर नहीं है। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि ये डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम वाई आया गया, क्योंकि ये टू हो जाएगा, ये बंद है। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि ये हमारे पास ये इक्वेशन जे वन हुई, ये जे टू ही टू हो गई, इसको मैं जे थ्री का नाम दे देता हूँ। इन तीनों से अगर हम दिजा अखज करें तो हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई है। फ्रॉम जे वन
जे टू जे थ्री डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम वाई। हेंस प्रॉपर्टी नंबर एम फोर इज सेटिस्फाइड। हेंस डी इज मैट्रिक ऑन आर सो दैट आर टुगेदर विद डी इज डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। अब हमने इसको प्रूव भी कर दिया है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को ओवर आर किया इसमें हमने। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक है हैमिंग डिस्टेंस। व्हाट इज हैमिंग डिस्टेंस स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास कोई प्लेन है मीन कि अगर ये कोई प्लेन हमारे पास है ये हो गया। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं निशान लगा लेता हूँ यूं करके बस। तो स्टूडेंट्स अब मैं कहता हूँ कि ये हमारा ओरिजिन है ये ओरिजिन है। तो एक किस्म की बात है कि कोई अगर पॉइंट हम यहाँ पर ड्रा करते हैं इसका मतलब ये है कि इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर ड्रा किया जाएगा। जब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर हम ड्रा कर रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके दो रेक्टेंगुलर एक इधर होते हैं एक उधर होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सर क्योंकि स्टूडेंट्स इन्होंने इस पॉइंट ने ऐसे किया होता है कि यहाँ से एक्स डायरेक्शन में इतना फासला कर किया होता है और वाई के डायरेक्शन में इतना फासला किया होता है तो तब यहाँ पहुँचता है। तो इसको हम नाम देते हैं इस पॉइंट को वन वन का क्योंकि यहाँ भी वन किया यहाँ पर भी इसने वन किया। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई एक और पॉइंट है जो कि हम कहते हैं कि अगर हमने ज़ीरो मान लेना है, ज़ीरो मान लेने का मतलब यही होगा कि वो जो ज़ीरो वन है वो यूँ है कि उस ज़ीरो पहले आएगा ना मतलब उसने एक्स डायरेक्शन में कोई फासला नहीं था कि इधर तो आया नहीं। वन का मतलब है कि वो यहाँ पर उसने वाई के डायरेक्शन में ये मैं ज़ीरो इधर लिख रहा हूँ और ये ही मैं पॉइंट बना देता हूँ कि इसने ये ज़ीरो वन है इसने एक्स डायरेक्शन में तो कोई फासला तय किया लेकिन इसने वाई डायरेक्शन में एक यूनिट फासला तय किया है। और अब इसी तरह मैं कोई दूसरा बनाता हूँ मैं कहता हूँ कि मैंने वन ज़ीरो लेना वन ज़ीरो जब लूँगा उसका मतलब ये है कि उसने एक्स के डायरेक्शन में तो फासला तय किया लेकिन वाई के डायरेक्शन में नहीं तय किया फिर मैं इसको वन ज़ीरो बोल दूँगा ये वाला पॉइंट। स्टूडेंट्स हमने पहले को ज़ीरो और आखिर दूसरे को वन और पहले को वन और आखिर को ज़ीरो रख के देख लिया और हमने दोनों को वन वन कर रख के देख लिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम दोनों को ज़ीरो ज़ीरो रख के भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब बात आती है हैमिंग डिस्टेंस की। हैमिंग डिस्टेंस है क्या? अगर कोई यहाँ पर पॉइंट पड़ा और यहाँ पर कोई यहाँ से एक यूनिट फासला तय करके गया और यहाँ से एक यूनिट फासला तय कर गया तो इसके दरमियान टू यूनिट का फासला है तो इनका जो हैमिंग डिस्टेंस है वो टू है। जितने यूनिट फासला होगा उतना हैमिंग डिस्टेंस होगा इनका टू डिस्टेंस है। अब आप ये देखो इसको और इसका कितना डिस्टेंस है इसका और इसका जो डिस्टेंस है ना इसने सिर्फ और सिर्फ वाई के डायरेक्शन में एक यूनिट फासला तय किया इसलिए इनका और इसका
कितना डिस्टेंस है, 1 हैमिंग डिस्टेंस है। और उसने भी एक ही यूनिट फैसला तय किया है क्योंकि सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में इनका भी 1 यूनिट डिस्टेंस है, हैमिंग डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह हमने मालूम करना है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई यहाँ पर पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, अब आप वैसे मैं आपको नंबर की शक्ल में दिखा दूँ तो इसको हम यूँ भी मालूम कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास ये 0 0 है, 0 0 है, और हमारे पास ये 1 1 है, ये 1 1 हो गया। अब आपने देखना है कि इनमें कौन से कितने डिफरेंट नंबर हैं। ये एक डिफरेंट हो गया, 2 डिफरेंट हो गए, तो इनका हैमिंग डिस्टेंस 2 हो गया। और अगर मैं ये 0 ले लेता हूँ, 0 0 मैंने ले लिया, और दूसरा मैं ये ले लेता हूँ, ये 0 1 हो गया। स्टूडेंट्स, इनका देखते हैं डिफरेंट कितने हैं, ये सेम है, सेम को छोड़ दे, डिफरेंट कितने हैं, इसमें डिफरेंट 1 है ना सिर्फ, तो स्टूडेंट्स इनका हैमिंग डिस्टेंस 1 हो गया। और उसी तरह अगर हम ये 0 ले लें और 0 ले लें और ये वाला साथ ले लें, ये 1 0, तो इनके इसके डिफरेंट कितने हैं स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट भी सिर्फ 1 है, ये तो सेम है, तो इनका हैमिंग डिस्टेंस भी 1 हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने हैमिंग डिस्टेंस मालूम करना है पॉइंट्स की शक्ल में। स्टूडेंट्स, अब एक हमें एक्सरसाइज में सवाल दिया गया है जिसमें उन्होंने हैमिंग डिस्टेंस पर बात की, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों को पहले हैमिंग डिस्टेंस के बारे में बता दूँ। सवाल क्या है, सवाल मैं देख लूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है, एक्स सेट दिया गया है, एक बार मैं सवाल देख लूं। हाँ, ये दिया गया है हमारे पास सेट ऑफ आल, सेट ऑफ, यहाँ पर आल नहीं दिए गए हमें, सिर्फ 8 सेट, सेट ये रहने दो, फिर ये मिटा दो, सेट कंटेनिंग एट ऑर्डर्ड ट्रिपल, 8 ऑर्डर्ड ट्रिपल जिसमें है जीरोज ऑफ जीरोज एंड वंस, एंड वंस, ये हो गया। जबकि ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस किस बेस पर है, डिस्टेंस है नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर एक्स वाई have different entries, मतलब एक्स वाई जो जो भी पॉइंट होंगे, इसको एक्स का नाम दे दिया गया, वाई का नाम दे दिया गया, तो उनके दरमियान में डिस्टेंस मालूम करें जिसमें उनकी जो एंट्रीज हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, और जहाँ पर डिफरेंट होगी वो जितनी डिफरेंट एंट्रीज होगी उतना हैमिंग डिस्टेंस होगा। अब आप ये बताओ कि अगर एंट्रीज एक जैसी होंगी फिर हैमिंग डिस्टेंस तो नहीं होगा ना, फिर तो इस कैसे से फिर डिस्टेंस तो ना हुआ, तो इसलिए वो ये कह रहा है कि आपने डिफरेंट एंट्रीज लेनी है एक्स और वाई की, तो फिर हैमिंग डिस्टेंस निकलेगा। हमारा मकसद ये हैमिंग डिस्टेंस मालूम करना, अगर आप एक पॉइंट ले लें फिर नहीं होगा। तो मैं फिर यहाँ पर एक सेट बनाता हूँ, वैसे अपनी तरफ से एक सेट बना लेते हैं हम,
सॉल्यूशन तो अब हमने करना ही है ना। वी एज्यूम दैट एक्स इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि पहले मैं ओरिजिन ले लेता हूँ ये वाला, फिर 3 सेम ले लेता हूँ, और फिर 0 0 1 ले लेता हूँ, और फिर मैं 0 1 0 ये उठा लेता हूँ, उसके बाद 0 1 1 हो गया, और उसके बाद 1 0 0 हो गया, और 1 1 0 हो गया। स्टूडेंट्स, ये इसके स्लॉट्स कहलाती हैं, इसके 3 स्लॉट्स हैं सारों की, तो स्लॉट्स कम से कम एक डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि ये है, अब मैं इसी कैसे से ले लूँ, फिर स्लॉट्स में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई एक यूनिट डिस्टेंस भी नहीं होगा, फिर हैमिंग डिस्टेंस हमें नहीं मिलना। अब हम इस पर मैट्रिक की 4 प्रॉपर्टी अब हमने सेटिस्फाई करवानी है। हमें पता है कि x और y के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा when जब यूं होगा कि x बराबर होगा y के। x बराबर y के कैसे होगा, हमें पता है कि या तो ये काम हो जाएगा या फिर ये काम हो जाएगा, दोनों में से एक काम हो जाएगा, फिर ये बराबर होंगे। ये चीज़ दोनों में से एक काम हो जाएगा, फिर ये बराबर हो जाएंगे। और जब ये बराबर नहीं होंगे तो फिर जो डिस्टेंस होगा वो फिर डिस्टेंस स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये देखा जाए कि कितनी स्लॉट्स में इसके एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं, उसके मुताबिक हमें पता चलेगा। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हैंस मैट्रिक 1 प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। मैट्रिक टू प्रॉपर्टी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर 0 तभी होगा जब इसकी तीनों स्लॉट्स एक जैसी होंगी, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी है। इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, मतलब या तो 1 1 1 इज इक्वल टू 1 1 1 होगा, या फिर 0 0 0 इक्वल टू 0 0 0, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में भी 0 0 1 1 का कहा है, इसके ऊपर उसने हमें कहा नहीं, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है बराबर करने के लिए। तो M2 प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड। M3 डी ऑफ एक्स वाई, हमें पता है कि एक्स से वाई का ले लें, चाहे डी ऑफ एक्स वाई बराबर आएगा डी ऑफ वाई एक्स, हमें पता है कि इस फंक्शन के तहत यही काम होना है। यहाँ पर दे दो हवाला के भाई
हैमिंग डिस्टेंस फंक्शन। M3 is satisfied. M4 पे आते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर M4 पर आकर हमें पॉइंट्स क्या हैं कि हमें डिफरेंट लेने होंगे, यूनिक के हम पॉइंट्स कहीं पे सेम ले लें। तो हम ऐसे करते हैं कि हमें अब यहाँ से ये लेना होगा कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड यू लेना होगा। मतलब अगर नॉट इक्वल टू लेते हैं तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई है। स्टूडेंट्स अगर एक स्लॉट्स के एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो इनका डिस्टेंस वन आएगा। स्टूडेंट्स अगर इनके एक दो स्लॉट्स के एलिमेंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि तीन स्लॉट्स हैं, तो डिस्टेंस टू आएगा। अगर इसके थ्री स्लॉट्स के एलिमेंट डिफरेंट होंगे एक्स और वाई के दरमियान, तो डिस्टेंस थ्री आ सकता है। एज इट इज एक्स जेड के दरमियान भी यही चीज़ होगा कि स्लॉट्स के एलिमेंट हमें नहीं पता दो हो सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स तो तीन हैं, एक हो सकता है, तीन हो सकते हैं, हमें क्या पता। तो ये पॉसिबिलिटीज मैं लिख रहा हूँ कि ये काम हो सकता है। हर एक के लिए तीन तीन पॉसिबिलिटी, क्योंकि एलिमेंट तीन है। स्टूडेंट्स अगर हम इसका अगर ये करें कि एक्स वाई का वन है, ठीक है, तो इनको प्लस करें तो इनका ज़्यादा बनता है, लेस देन, यहाँ पे लेस देन बनता है। अगर इसका हम मुवादना इनसे कर लें तो यहाँ पर भी आप देख लें तो वही बात है। अगर इनसे कर ये तो बात एक ही आ रही है। अगर स्टूडेंट्स हम यूँ करें कि इसका मुवादना इसने कर लें, फिर भी एक ही बात है। अगर यहाँ पर ये वन है, हम एक्स वाई का ये ले लेते हैं, सॉरी ये एक्स जेड था, एक्स जेड का हम ये ले लेते हैं, ये टू है, और इसका ये और इसका भी टू ले लेते हैं, फिर भी ज़्यादा बनता। आप जो मर्जी कर लो लेकिन फिर भी ये ज़्यादा बनता। तो इससे हमें ये देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x from z plus distance of z from y implies M4 property is satisfied. From M1 to M4, D is metric on ये हैमिंग डिस्टेंस, D हैमिंग डिस्टेंस है, मैट्रिक ऑन x जो हमें सेट दिया गया है, implies x together with D is metric space. स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था, तो अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।